नमस्कार। वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2023-27 है और सेमेस्टर 2 के जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहे थे और आप लोगों ने नहीं किया था, ठीक है, या किसी कारणवश नहीं किए होंगे, तो इसके लिए एक नया डेट जारी कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आप सभी का जो है एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था दरफरी में कि आपका जो है एडमिट कार्ड आज आ सकते हैं, अन्यथा आपका कल भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें अब चेंजेज आपको देखने को मिल सकता है। क्या है सब चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर इस नोटिस में बताया जा रहा है कि आप सभी का जो है जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं उसको ABC आईडी कार्ड के अगर आपने बनाया है तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, अगर नहीं बनाए हैं तो फिर नहीं आपका हो पाएगा, ठीक है ना। तो ABC आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप लोगों का जो है वो कल यानी 20/9/2024 तक आप सभी का जो है वो 30 रुपये एक्स्ट्रा के साथ जो आप सभी का फॉर्म फिलअप हो जाएगा और एग्ज़ाम की तिथि वही 23/9/2024 है, ठीक है। ये समझ चुके होंगे कि यानी आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो 20 तारीख को यानी कल जो है आप सभी का फॉर्म फिलअप आप लोग कर पाएंगे, ठीक ना। हो सकता है आगे डेट बढ़े वो अलग बातें हैं, लेकिन उम्मीद अब कम है क्योंकि 23 तारीख से एग्ज़ाम है, 20 तारीख का आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो आप समझ लीजिए बीच में एडमिट कार्ड भी जारी करना है। देखिए, हम आपको बता देना चाह रहे हैं, तो अब जानते हैं कि आखिर एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड के लिए जो है अब फॉर्म फिलअप इस सब का भी होगा, इसके बाद ही आप सभी का जो है एडमिट कार्ड जो है ना वो जारी करने वाले हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यानी आप सभी का जो है वो कल शाम तक फॉर्म फिलअप होगा, यानी परसों, ठीक है, यानी परसों यानी 21 तारीख को जो है आप सभी का जो है एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 21 को जारी होगा तो फिर एग्ज़ाम 22-23 को है तो कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, आपको केवल सिग्नेचर मोहर करवाना है और एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे सारा जानकारी, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। और जल्द ही आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा अभी जो है थोड़ा सा परेशान है, ठीक है ना। धन्यवाद।